Dear students, in this topic, we shall discuss the respiratory responses of animals to diving. Many air breathing aquatic vertebrates, for example, dolphins, whales, and water birds, they go underwater for varying periods of time. This duration of submergence is termed as a dive. Diving animals, which are in वापस सरफेस पर आना पड़ता है सो so दैट के वो सांस ले लें टाइम बिटवीन विद एनिमल्स फॉर मोस्ट डाइवर्स दिस टाइम इज अराउंड टेन टू ट्वेंटी मिनट इससे ज्यादा आमतौर पर पानी के अंदर बगैर ब्रीद लिए नहीं रहा जाता स्टूडेंट डाइविंग एनिमल्स जब डाइव के प्रोसेस में होते हैं तो

Oxygen stores in their lungs, blood, and tissues to supply oxygen to critical tissues. Most diving animals have high hemoglobin as well as myoglobin content. Myoglobin is oxygen store. Oxygen is preferentially delivered to brain and heart.

मसला और एक और कंट्रोल जो रखना होता है वो है कि डाइविंग के प्रोसेस के दौरान में इनहेलेशन या एक्सहेलेशन नहीं करते एनिमल्स इस चीज को कैसे कंट्रोल किया जाता है तो इसके लिए भी स्पेशलाइज रिसेप्टर हैं विच डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ वॉटर दे इनहिबिट इंस्पायरेशन ड्यूरिंग ए डाइव सच रिसेप्टर आर सिचुएटेड इन ग्लोटिस माउथ और नोस स्पीशीज के हिसाब से मुख्त जगहों पर इनकी लोकेशन होती है जब ब्लड में ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इंक्रीज होता है तो ऐसे में तो वेंटिलेशन स्टिमुलेट होती है लेकिन डाइवर्स में इस यही पोजीशन कायम भी होती है लेकिन इसके बावजूद इस तरह का रिस्पांस प्रोड्यूस नहीं होता इट इज बिकॉज द इनपुट्स फ्रॉम कीमोरिसप्टर ऑफ केरोटिड एंड एरोटिक बॉडीज जो कि वेंटिलेशन रेट को इंक्रीज करने के लिए होते हैं दे आर इग्नोर्ड बाई दी रेस्पायरेटी न्यूरोन्स In submerged state.